Assalamualaikum everyone, how are you all? Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. आज है जुम्मे का दिन, तो I hope कि आप सब ने नमाज जरूर पढ़ी होगी. वैसे नमाज पांच वक्त की पढ़नी है, सिर्फ जुम्मे की नहीं पढ़नी है, क्योंकि नमाज हर हाल में फर्ज है. नमाज की कोई माफी नहीं है. चाहे आप बीमार हो तब भी आपको बैठकर, और अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो आपको लेट के नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज आपने हर हाल में पढ़नी है. कल ही मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रही थी. उन्होंने उसमें बताया कि अगर नमाज माफ़ होती तो वो करबला के मैदान में माफ़ होती, लेकिन वो वहाँ भी माफ़ नहीं थी. हज़रत हुसैन ने जब शिमर से कहा कि नमाज ज़ोहर का टाइम हो चुका है, तो अब हम क्या नमाज के लिए वक्फ़ा कर लें, बाद में हम जंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जंग चलती रहेगी. तो हज़रत हुसैन ने अपने साथियों से ये कहा कि आप आधे लोग नमाज पढ़ें और आधे लोग जंग करें, यानी कि नमाज उस हाल में भी माफ़ नहीं थी. उन्होंने वहाँ जंग में भी नमाज पढ़ी. तो आप सोचें कि हम तो नॉर्मल रूटीन गुजार रहे हैं, इसमें नमाज हमें कैसे माफ़ हो सकती है? तो नमाज आप लोगों ने हर हाल में पढ़नी है, ठीक है? तो आज यह है कि मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज पूरा दिन रेस्ट करूँगी, ताकि मैं बाकी के दिन हालार को स्पेशल फील करवा सकूँ और उनका बर्थडे वीक अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ. तो आज मैं पूरा दिन घर पे रहने वाली हूँ. तो आप देखें कि आज मैं पूरा दिन घर पे रह के क्या क्या करती हूँ. नमाज में पढ़ चुकी हूँ और अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि जब मैं घर पर अकेले होती हूँ, हालार ऑफिस में होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने लिए खाना बनाऊँ और इतनी मेहनत करूँ. तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ऑर्डर करके खा लेती हूँ, ठीक है? तो आज मैंने मंगवाई है रहमत शीरी से हालार की फेवरेट मिठाई मलाई चाप. हालार को ये मिठाई बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी डिज़र्ट मंगवाऊँ वो सब हालार के फेवरेट हों, उनको पसंद आए. एंड थैंक्स टू रहमत शीरी, जिन्होंने मिठाई के ऊपर भी मुझे लिख के दे दिया. दे आर सो स्वीट, और इतना अच्छा लिख के दिया है. आज तो दिल ही खुश हो गया. आई होप कि अब हालार को पसंद आए. तो चलें चलते हैं और हालार को उनका सरप्राइज देते हैं. आप लोग ये सोचते होंगे कि ज़्यादातर हालार लाउंज में ही पाए जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये जब भी ऑफिस से आते हैं ये टीवी देखने बैठ जाते हैं, तो ये मुझे लाउंज में ही मिलते हैं. हैप्पी बर्थडे, 3 days लेफ्ट, ये कैसा लगा? मलाई चाप. हाँ, आपकी फेवरेट मिठाई. गुड. और ये देखो रहमत श्रीमान ने लिख के भी दे दिया. गुड. और ये आपका गिफ्ट, ये भी आउटफिटर से लिया था. आउटफिटर. और ये वही गिफ्ट है जो आपको चाहिए था, तो इसमें ज़्यादा कुछ सरप्राइज नहीं है. यस, मैंने वहाँ बहुत सारी जैकेट देखी, लेकिन आपको यही चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि कोई और लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो पसंद है तो बस वही ली जाए. क्या साइज ली है? लार्ज. सही, ठीक है. एक मिनट यार, ये मैं मेन डोर बंद करूँ, बहुत शोर आ रहा है. अब बताओ कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा लगा. हुड तो हटाओ. हाँ ठीक है, ठीक है. मैं आपका साइज कभी भी गलत नहीं लेके आती, ये तो हो ही नहीं सकता. सही है, लार्ज ही आता है. खाली इस तरफ लाओ, आई थिंक रोशनी में इस तरफ सही नज़र नहीं आ रही. वैसे मैं दिखा चुकी हूँ अपने पहले व्लॉग में, अगर आप लोगों को ये जैकेट सही से नज़र नहीं आ रही है, नहीं पता चल रही है, तो आप लोग मेरा पहला व्लॉग जाके देखें, उसमें मैंने आउटफिटर्स में ही ये जैकेट दिखाई है बहुत क्लियरली. सही है, जबरदस्त है यार. मगर बहुत मीठी है.